बच्चों, हमारे इस चैनल पे क्वांटम क्विप्स पे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तो तुम लोग क्लास 11 में जब प्रैक्टिकल्स करने जाओगे स्कूल में तब जाके तुम ये ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकली इसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक जेई के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में उतना ज्यादा आता नहीं है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन जेई मेंस और जेई एडवांस में इस टाइप मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे हम लोग अपना वॉच पहनते हैं, क्या मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए। ये स्टॉप वॉच यूज करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए। ये स्केल्स यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। तो बच्चों हम जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसे हम लोग मीटर स्केल बोल सकते हैं, सेंटीमीटर स्केल बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे हम लोग मीटर और सेंटीमीटर यूनिट में मेजर करते हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो बच्चों, हम लोग पढ़ के आए थे जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक था, तो मैंने वहां पे बताया था कि जब तुम किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम पे जाओगे तो वहां पे तुम्हारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर, या फिर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होते हैं। अभी बच्चों मैं तुमसे सिग्निफिकेंट फिगर पे एक बार चलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग बताए थे कि जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं उनमें जो लास्ट वाला डिजिट होते हैं उसे हम लोग अनसिग्निफिकेंट बोल सॉरी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों वो वाला फिगर तुम्हारा डाउटफुल डिजिट है, वो वाला डिजिट तुम्हारा डाउटफुल डिजिट है। तो डाउटफुल डिजिट क्या है कि वो वाला जो डिजिट आया था वो डिजिट हम लोगों को सही तरीके से पता नहीं है कि एक्चुअली वही है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो और भी तुम्हें कंफ्यूजन ना लगे इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे चलते हैं। चलो बताते हैं, जो हमारे नॉर्मल स्केल होते हैं हम लोग जो घर में यूज करते हैं स्केल, उस स्केल में क्या रहते हैं बच्चों, उस स्केल में रहता है कि तुम्हारा यहां पे 0 मार्क रहता है और यहां पे अगर 1 मार्क रहता है। अगर सेंटीमीटर स्केल की मैं बात करूं तो इसको इक्वली 10 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो इक्वली 10 डिवीजन में जब हम उसको डिवाइड कर दिए तो ये जो एक छोटा सा तुम्हारा मार्क है वो एक्चुअली में 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस वाले स्केल से हम लोग सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ये जो हम छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं इसे बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट, इसे बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा कितना मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी वॉच की बात करें तो वॉच में सबसे छोटा काउंट कितना होता है, 1 सेकंड होता है ना। और अगर स्टॉप वॉच अगर काउंट करें तो स्टॉप वॉच में कई कई जगह पे 0.1 सेकंड भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दैट आर द लीस्ट काउंट फॉर दैट इंस्ट्रूमेंट। तो अभी बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से बच्चों हम लोग 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। इसीलिए वर्नियर कैलिपर ज्यादा यूज होगा हमारे मेजरमेंट के टाइम पे। क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक अगर बॉल है तो उसका डायमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसको बच्चों जॉ बोलते हैं, है ना, हमारे जैसे टीथ होते हैं ये उसका टीथ है, ये बाहर वाला ये अंदर वाला। तो इसको भी अलग सा इसका यूज है, प्रैक्टिकल्स जब होगा तुम लोगों का स्कूल में तो तुम लोगों को दिखा देगा कि कौन सा जॉ से क्या क्या मेजर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडा सेम है। यहाँ पे 2 स्केल होते हैं, ये जो स्केल तुम्हें दिख रहा है इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं तुम्हारा मेन स्केल MS, और एक एक जो डिवीजन देख रहे हो तुम इसीलिए इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन MSD। और यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है, यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है उसे बोलते हैं VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, यह है मेन स्केल डिवीजन, और ये जो पार्ट है बच्चों ये है तुम्हारा VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के लिए अगर हम लोग लीस्ट काउंट मेजर करना चाहते हैं तो इसका लीस्ट काउंट मेजर करने का एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है बच्चों
ये जो बीएसडी और एमएसडी होते हैं, ये बीएसडी और एमएसडी को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद हम लोग वहां पे लिस्ट काउंट लिखेंगे। इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD - 1 BSD इंटू स्मॉलेस्ट डिविजन SD। स्मॉलेस्ट डिविजन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कितना स्मॉलेस्ट डिविजन है, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिविजन कितना है, वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि तुम लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जहां पे अगर हम लोग कोई भी चीज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ना करें तब तक समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि पहले मैंने बताया ये कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंटल चैप्टर है, तो ये तो थ्योरी समझ में आएगा ही नहीं जब तक ना तुम इस इंस्ट्रूमेंट्स को फिजिकली देख लो। ठीक है बच्चों, ओके चलो। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ से, मतलब एक क्वेश्चन लेके हम लोग इस चीज को समझते कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो एक IIT JEE का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो तो बच्चों आ गया हमारे सामने एक क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर्स है जिसके पास मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर का डिविजन है, मतलब स्मॉलेस्ट डिविजन है 1 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। इट हैज 20 इक्वल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल का डिविजन कितना है, वर्नियर स्केल का डिविजन है 20। फिर बोला गया है एक मैच विथ 16 मेन स्केल डिविजन, मतलब मेन स्केल का डिविजन कितना है 16। तो तुम्हें लिस्ट काउंट पूछा गया है, तो मैं अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा IIT JEE 2010 में आया था। देखो कितने चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना स्टॉप वॉच डाल के रखो। देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिविजन तुम्हें बताया गया है 1 मिलीमीटर। अच्छा बच्चों, स्मॉलेस्ट डिविजन का यूनिट जो होगा वही तुम्हारा लिस्ट काउंट का भी यूनिट होगा, ध्यान में रखना हा? तो स्मॉलेस्ट डिविजन है 1 मिलीमीटर। मेन स्केल डिविजन महेंद्र सिंह धोनी कितना है, महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया 16 रन बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने, और उसका भाई ने बनाया, बीएसडी ने बनाया तुम्हारा 20 रन। ठीक है, मेन स्केल डिविजन है 16, वर्नियर स्केल डिविजन है 20। तो फॉर्मूला क्या था लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD - 1 BSD इनटू LC लिस्ट काउंट। अभी बच्चों ये मेन स्केल डिविजन 16 है, लेकिन 1 MSD कितना होगा या फिर 1 BSD कितना होगा, इन दोनों के बीच में एक हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे रिलेशन एस्टेब्लिश, देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि तुम्हारा जो 20 मेन स्केल डिविजन या फिर वर्नियर स्केल डिविजन था वो 16 मेन स्केल डिविजन के साथ मैच कर रहा था। तो क्या मैं बच्चों ये बोल सकता हूं कि 20 VSD मैच कर रहा है 16 MSD के साथ, तो 1 VSD कितना होगा बच्चों, 16/20 MSD, बोल सकता हूं मैं, जी हाँ सर जरूर बोल सकते हैं। तो यहां पे जाके पुट कर दो 1 MSD - 1 VSD, और VSD को लिख लो इन टर्म्स ऑफ MSD, तो ये आ गया महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 VSD मतलब 16/20 महेंद्र सिंह धोनी, तो 16/20 महेंद्र सिंह धोनी ये आ गया बच्चों। तो इधर से अभी तुम क्या करोगे, अपना जो MSD VSD वो सब है सबको उठा के वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सो 1 - 16/20 इंटू आएगा तुम्हारा 1 मिलीमीटर। तो बच्चों जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये तो बच्चों का कैलकुलेशन है, 20 से 16 माइनस होगा तो 4 बचेगा, तो 4/20 मिलीमीटर। तो 4/20 मतलब कितना, इसको ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा आ जाएगा 20/100 यानी कि 0.2 मिलीमीटर। कितना गया बच्चों, 0.2 मिलीमीटर। तो तुम्हारा आंसर आ गया लिस्ट काउंट का 0.2 मिलीमीटर। अभी बताओ बच्चों इजी था ना, एकदम इजी, लेकिन ये वाला सेक्शन JEE में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन छोड़ना नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते इसके ऊपर। तो आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर जो था मेन स्केल का उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक एक छोटा पार्ट कितना बनेगा, बिल्कुल सही 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर। वेरी गुड। अब बोल रहा है देखो वर्नियर स्केल का 10 डिविजन मैच कर रहा है 8 स्मॉल डिविजन ऑफ मेन स्केल, तो क्या मैं बच्चों यहां पे बोल सकता हूं कि अच्छा यहां से लिखो 10 VSD इक्वल्स टू 8 MSD। हाँ सर बोल सकते हैं,
तो क्या मैं बच्चों 1 BHT इक्वल्स टू 8/10 MHD बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। तो अभी लीस्ट काउंट पता करते हैं। तो लीस्ट काउंट होता है तुम्हारा 1 MHD माइनस 1 VHD, ठीक है। तो इंटो इसके साथ स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो 1 MHD कितना है? 1 MHD 1 ही है। माइनस 1 VHD कितना है? 8/10 है। तो 8/10 इंटो 1/10 सेंटीमीटर। क्यों सर मिलीमीटर पे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ऑप्शन सर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। ऑप्शन जिस फॉर्म में रहेगा हम लोग उसी फॉर्म में करेंगे। वेरी गुड। अच्छा सर 1/10 कहां से मिला? क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। एकदम सिंपल सा है। तो यहां से तुम जब करोगे तो तुम्हें इंटो ऐसा मिलेगा, मिलेगा ना। तो 2/100, अरे सर 2/100 मतलब 0.02 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया बच्चों? 0.02 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लिस्ट काउंट, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट से हम लोग 0.02 सेंटीमीटर तक स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर सकते हैं, है ना इसी बच्चों। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। तो बच्चों आ गया हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट 29 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 30 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। If the smallest division of the main scale is half degree, then find the least count. देखो बच्चों इसको हम लोग जैसे पहले किए थे 30 division equals to 29 division, ऐसे करके भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और भी जल्दी एक और ट्रिक लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट्स यूज द ट्रिक। एंड ट्रिक ये है बच्चों, यहाँ पे लीस्ट काउंट के एक और फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? 1 VHD डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर, टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर, टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर इनटू स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो कर डालो, तोड़ डालो, फोर डालो, 1 ASD 1 पुट कर दिए यहां पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर, टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, टोटल वर्नियर का डिवीजन कितना बोला गया है? टोटल वर्नियर डिस्टेंस बोला गया है तुम्हें 30। सो 1/30 इंटू 1/2 degree। सो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1/60 degree। अभी 1/60 degree सर ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया सर, गलत 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 अपने गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पे देखो तो मिनट दिया हुआ है। डिग्री और मिनट के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 degree इक्वल्स टू आएगा 60 मिनट। तो अभी तुम यहां से बोल सकते हो कि 1/60 degree दैट्स इक्वल टू 1/60 × 60 मिनट, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों कितना जल्दी हो गया हमारा, है ना। तो अभी इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं स्क्रू गेज। तो अभी हम लोग स्क्रू गेज देखते हैं और स्क्रू गेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ये होता है स्क्रू गेज, ऐसा दिखता है यू शेप का, एक उसका सामने की तरफ माउथ रहता है, जहां पे बच्चों इस वाले पोर्शन पे हम लोग कोई भी चीज को प्लेस करते हैं उसका डायमेंशन मेजर करने के लिए, लेंथ व्हील ये सब मेजर करने के लिए हम लोग उसको यहां पे प्लेस करते हैं। और अगर यहां पे घुमाने का चीज होता है, अगर हम उसको यहां से घुमाएंगे तो ये धीरे 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 खुलेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे तो ये धीरे 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 बंद होगा। तो इसको टाइटली यहां पे होल्ड करने के बाद तुम्हें यहां पे दो स्केल दिखेंगे। इसे बोलते हैं लीनियर स्केल, इसे बोलते हैं बच्चों लीनियर स्केल, और यहां पे एक स्केल दिखेगा जिसे बोलते हैं बच्चों, मैं नीचे लिखता हूं, जिसे बोलते हैं बच्चों सर्कुलर स्केल। तो जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो सर्कुलर स्केल डिवीजन चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, और ये धीरे 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 पोर्शन इधर शिफ्ट होता जाएगा, मतलब लीनियर स्केल धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल के रोटेशन के लिए ये लीनियर स्केल में जितना डिवीजन आगे बढ़ेगा, एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल रोटेशन के लिए लीनियर स्केल जितना आगे बढ़ेगा उसको बोलते हैं बच्चों 1 pitch। क्या बोलते हैं बच्चों? पिच। इसे बोलते हैं बच्चों पिच। तो ये पिच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पिच ही तुम्हें लीस्ट काउंट यहां पे काउंट करके देगा सर।
एक और चीज, अच्छा तो मेरा वन ईयर कैलिपर्स चल रहा था, तो इस इंस्ट्रूमेंट को लाने की वजह, ये इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से भी छोटा मेजरमेंट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स पे तुम्हें 0.1 मिलीमीटर तक स्मॉलेस्ट काउंट मिला था, लिस्ट काउंट मिला था, और ये वाला इंस्ट्रूमेंट 0.001 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, तो हुआ ना ये ज्यादा एक्यूरेट। तो यहां पे लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा तुम्हारा पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये होता है तुम्हारा यहां पे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां पर भी आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहले आता था अभी नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं। चलो तुम्हें जेई मेंस का क्वेश्चन 2020 में जो आया था इस कंसेप्ट के ऊपर वो सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो बच्चों आगे यहां पे क्वेश्चन, अ स्क्रू गॉज एडवांसेस बाय 3 मिलीमीटर इन 6 रोटेशंस, देयर आर 50 डिविजंस ऑन द सर्कुलर स्केल, देन फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जो कि तुम्हारा जेई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने क्या बताया था लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, बताओ एक बार, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन सीएसडी। तो पिच क्या है बच्चों, पिच है एक कंप्लीट रोटेशन पे लीनियर स्केल जितना मूव करते हैं, तो यहां पे बोला गया है 6 रोटेशन पे 3 मिलीमीटर मूव करते हैं, तो एक रोटेशन पे कितना मूव करेगा 3/6, तो पिच आएगा तुम्हारा 3/6 मिलीमीटर। यहां पर भी लिस्ट काउंट का यूनिट वो होगा जो तुम्हारा मेन स्केल का या लिनियर स्केल का यूनिट रहेगा, ठीक है। और सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन था, 50 डिवीजन था सर्कुलर स्केल में, तो ये आ जाएगा बच्चों ऊपर में हाफ नीचे में 50, दैट्स मिलीमीटर, यानी कि 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। में बोल ही रहा था कि स्क्रू गेज की मदद से हम लोग और भी छोटे मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि तुम्हारा 0.01 मिलीमीटर है। आया ना समझ में ये वाला। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोगों ने जेई में, पहले मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूं, ये वाला क्लास सिर्फ और सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स के लिए है, अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई एस्पिरेंट्स के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन इस पार्ट को स्किप नहीं करना है। अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिए, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास भी इतना ही था, आप लोगों से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कर दो, इस चैनल को ग्रो हमें होना है, बहुत ताकत लेके ग्रो होना है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू।